वालदा अपनी बेटी को कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कों की, और लिखा हुआ है कि ये लड़का देखो बेटा कैसा है। तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं देखना, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए। अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस करना है कि अपने लिए कोई ढूंढ भी सकता है कि नहीं ढूंढ सकता। अच्छा, वालदा ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा। तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक के ये मेरे फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है। शादी इज नॉट बिटवीन टू पीपल इन आवर सोसाइटी स्पेशली, इट इज बिटवीन टू फैमिलीज। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम, कि क्या देख सकते हैं खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं या पेरेंट्स से पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली खुद भी देख सकते हैं, लेकिन योर पेरेंट्स नो यू द बेस्ट एंड ऑब्वियसली they want what's best for you ultimately. You know, we might be seeing a smaller picture ke bas I like her, they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on excellent, them. Excellent, excellent. बहुत mature बात की, वाकई आप माशाल्लाह responsible और शादी के बाद ज्यादा हो गए और हिम्मत की बातें करने लगे। I think आप हकीम बन जाए शादी के बाद। तो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात की कि parents have the bigger picture. You may have the picture, but they have the bigger picture. लेकिन अगेन मैं आपकी तरफ आऊंगा कि शादी के लिए क्या हम खुद से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या ये है सिलेक्ट करना कि जो भी गुजरा यू आर चेकिंग आउट एंड यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? अब आप फुली अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जाम्पल दी है तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो, बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली। बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी। सो इफ यू रियली थिंक, और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल, और पेरेंट्स डिसीजन करें, यू डू इस्तखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल। बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सबर कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली, is it fit in or not. तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन था, यू कैन सेलेक्ट फॉर यू, बट देयर इज अ क्राइटेरिया इन इस्लाम। अगर उस क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है, then definitely you should go for that person. अच्छा, I mean, अगर कोई किसी को पसंद करता है, पेरेंट्स को कैसे बताए? From you, okay. How will you convince, you know? आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? Obviously, you want to approach your parents. Do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like it, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing, because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So, you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take things. चलिए थोड़ा sentences बताएं, क्या sentences quote करें? थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें, क्योंकि हमारी audience request कर रही है कि थोड़ा सा उर्दू, उर्दिश, उर्दिश, mixed language, कोई sentences, how should a person approach के अम्मी मुझे कोई पसंद आ गया, या क्या सेंटेंस, कैसे स्टार्ट करें? Big sentence. It's gonna take me a little bit of time to think that right now. रवि भाई, ये टेल मी, रवि भाई तब तक वो सोचते हैं, चले आप बताएं कि हाउ शुड अ पर्सन अप्रोच पेरेंट्स के उसे को पसंद आ गया। मुझे बहुत से एक्सटर्स कहते हैं, जी मुझे ये पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, एकेडमी में को पसंद आ गया, कॉलेज में को पसंद आ गया, अब मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं? इफ यू टॉक अबाउट माय केस, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी छुपाया नहीं है कि मुझे अगर कोई पसंद आया तो। अच्छा, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कितना आपको मतलब पसंद आया, जितना भी पसंद आया, बट आई नेवर हाइड फ्रॉम माय मदर स्पेशली, अगर मुझे कोई पसंद आया, लाइक से हर के भाई ये है, क्योंकि आई वाज सो सीरियस अबाउट माय मैरिज, बिकॉज मुझे था, बिकॉज एवरीवन नोस हिज कि वो उसको किस तरह है, बिकॉज जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं, लाइक आई नो माई लिमिट्स, तो आई कांट क्रॉस माई लिमिट्स, और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊंगा तब ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज अल्लाह सुबहाना व ताला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से।
तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मुझे किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जान लेते हैं कि आप अगर मैच्योर हो चुके हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें, ठीक है, और पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं। नॉर्मली आजकल के बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके लिए एक जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन वो हेयर आफ्टर वाली नहीं होती, वो बताते भी नहीं है पहली बात। सिली वे अगर पसंद आ गया, लाइक दे वुड से कि यार शी इज माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दिस, दे वुड नॉट से कि यार आई वांट टू मैरी हर, शी इज माय लाइफ पार्टनर। लेकिन क्या पता वो इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है पेरेंट्स ने आगे से कहना है कि शक्ल देखी है, ये भी हो सकता है, या उम्र देखी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनका अगर कोई उनको बैकलैश आ जाए उसके भी वो हेजिटेट करते हैं, उनको शायद वो डीमोटिवेट ना हो जाए, इसमें डर भी होता है। लेकिन आई रियली फील के पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, हज़रत मूसा की दुआ पढ़े, बिकॉज आई यूज टू से सो मच लाइक बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह एंड हज़रत मूसा की दुआ, बिकॉज व्हेनेवर यू यूज टू टॉक विद मूसा की दुआ के रब्बी शाहली सा, अच्छा अच्छा ये वाली रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये भी सुना है कि शादी हो जाती है ये भी, और लाइक रब्बी शाहली सदरी हो जाए, बिकॉज व्हेन यू नीड टू कन्विंस, बिकॉज हज़रत मूसा वेंट टू फिरौन, तो पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, तो आप उनसे ये बात करें, लेकिन पूरी बात करें, शेयर जरूर करें। नॉर्मली हम शेयर नहीं करते, हिडन फैक्ट होता है, अगर हिडन पता भी चले तो पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते। I have good arguments. Yes, yes, yes. क्योंकि parents are going to ask you from all aspects. Yes. और देखिए आपके इंटरव्यू पेरेंट्स पहले ही कर लेते हैं जब आपका बिगर पिक्चर, या बिकॉज जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है वो उसमें आप रहना जाए, तो आप पेरेंट्स ही आर्गुमेंट करें, आपका फादर आपसे क्वेश्चन करेंगे, मदर आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ प्रिपरेशन, जब आपका लड़की वालों से इंटरेक्शन होना है, जब उनके फादर आपसे कोई इंटरव्यू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेप। बिल्कुल सही। एक जो वो याद आ गया, एक फनी क्लिप था, बाबा अली एक कॉमेडियन है, मुस्लिम कॉमेडियन, उन्होंने बनाया एक फनी क्लिप के वो अपने अब्बू के पास गए और अपने अब्बू से पूछा, वीडियो है पूरी फनी वीडियो, और वो अपने अब्बू कहा कि बाबा कैन आई लाइक सम गर्ल, कैन आई यू नो प्रपोज सम गर्ल, तो बाबा ने कहा कि यस श्योर, एज लॉन्ग एज शी लिव्स इन दिस हाउस, एज लॉन्ग एज शी इज दिस फीट टॉल, एज लॉन्ग एज शी इज फ्रॉम आवर फैमिली, एज लॉन्ग एज शी इज ऑफ दिस 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 कास्ट, यानी सारी कंडीशन रख के कहा नाउ यू कैन चूज व्होएवर यू वांट। ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि यस वो दे तो देते हैं चॉइस, लेकिन जाहिर है कि फिर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कास्ट ही होनी चाहिए, हमारे फैमिली के मुताबिक होनी चाहिए। ऑल्दो ये देखने में कोई हर्ज नहीं है, वी विल कम टू दिस डिस्कशन कि ये चीजें भी देखनी चाहिए, एंड एज यू सेड आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, स्पेशली एट सच अ यंग एज, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे होते हैं, किसी से दिल लग जाता है, देन आवर यूथ डजंट नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनफैटुएशन एंड लव। इनफैटुएशन इज समथिंग टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती है, और हमारी यूथ को तो हर साल सच्चा प्यार होता है यूनिवर्सिटीज में, मतलब एक साल हुआ, उस ब्रेकअप हुआ, फिर अगले साल फिर सच्चा प्यार हो गया, तो ये सच्चा प्यार भी बड़ी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज सच्चा प्यार, डू यू थिंक सच्चा प्यार बिफोर मैरिज इज पॉसिबल? आई डोंट रियली थिंक सो, बिकॉज़ I believe that, you know, once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala, you know, wo sacha pyar aapke dil mein rakh dete hain. Allah dil mein rakhta hai. Aapke mawadda wa rahma. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing, amazing. Aur iska jo dusra aspect tha meme ka, wo ye tha ki responsible nahi hai abhi banda. To meri youth se hi request hai ki dekhen thoda sa na responsibility, kyunki hamare maashre mein ek bahut ganda trend hai. वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नशे में लग गया है, ये पागल हो रहा है, इसकी शादी कर दो, यानी औरत आके इसे ठीक कर देगी, वो ठीक क्या बेचारी करेगी, वो खुद फंस जाती है, वो एक्चुअली अपना बर्डन उस पे डाल रहे हैं, बर्डन उस पे डाल रहे हैं, और वो हो सकता है वो ठीक हो जाए। देखिए कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बच्चा इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बट डोंट टेक दिस रिस्क यार, आप किसी की बच्ची को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे बेटे को ठीक कर देगा, ये हमारे मोचने में एक सोच पाई जाती है, बट पहले से उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट वो अपने काम तो कर सकता है ना, जैसे आपने कहा मैं अपने काम करता था।